सोनभद्र जिले का यह है दुद्धी विधानसभा क्षेत्र। आबादी होगी 2.25 लाख के आसपास। कहने को यहाँ पक्की सड़क, स्कूल भवन और बिजली के ट्रांसफार्मर हैं। लेकिन ऐसे स्कूल का क्या फायदा जहाँ अध्यापक ही ना हो, ऐसे खंभों का क्या फायदा जिनमें बिजली का करंट ना पैदा होता हो। आदिवासी बहुल इस गांव का जीवन दशकों से ठहरा हुआ है। जो पुरानी कुर्सियां हैं अपने यहाँ कि जैसे आदिवासी लोग कुछ शराब वराब पीते हैं, है ना, तो शिक्षा न रहने की वजह से वो शराबी पीते दिन भर रह जाते हैं। यहाँ नागवा गांव में महिलाएं मिट्टी के चूल्हे पर खाना पकाने को मजबूर हैं। पुरुष पत्थर तोड़कर या कुछ और छोटा मोटा काम करके रोजी रोटी का इंतजाम करते हैं। घर के बाकी लड़के रोजगार की तलाश में गांव से बाहर गए हैं। चूल्हे में खाना बनाते हैं। और आपके पति क्या करते हैं? काम करते हैं घर गांव में। कहाँ पे? कभी गांव में कभी बाहर। महाराज देखो, मिट्टी खोलते हैं, पत्थर उत्थर मिल जाता है, वो फोड़ते हैं, खेती किसानी करते हैं। 1 बीघा जमीन है, चाहे 2 लड़के हैं। यहाँ आदिवासियों और इनके जीवन पर रिसर्च करने के इरादे से इलाहाबाद की एक टीम आई है। अब तक इन्होंने जो अध्ययन किया है उसके मुताबिक आदिवासियों के जीवन में नाम मात्र का ही बदलाव आया है, जो किसी काम का नहीं। आदिवासियों के सामने दशकों बाद भी खाने की समस्या सबसे भीषण है। खाने की जो समस्या है वो अभी भी, ये चावल उबाल के नमक डाल के खा लेते हैं टमाटर की चटनी के साथ। इनको पूरी तरह जो न्यूट्रिटिव फूड मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। दूसरा इनके पास समस्या है, धन की बहुत कमी है और जो इनको वेजेस मिलते हैं वो बहुत कम मिलते हैं। इन आदिवासी लड़कियों की अपनी उम्मीदें हैं, पढ़ लिख कर ये कुछ बनना चाहती हैं, अपने पैरों पर खड़ा होकर रोजगार हासिल करना चाहती हैं। लेकिन इस बात का दर्द जरूर है कि इनके पिता इनके साथ नहीं रहते, उन्हें मजबूरी में गाँव छोड़कर शहर नौकरी के लिए जाना पड़ा है। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD News, दुद्धी।